नमस्कार, लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित एपी शुक्ला आज आपके सामने एक पत्रिका में लेके आया हूं। मेहनत की है, इसको बनाया है, कुछ ना कुछ तो उसमें अलग होगा ही होगा। परमात्मा कभी कभी बहुत अच्छी पत्रिकाएं बनाता है, या फिर कह लीजिए कुछ कुछ लोगों को ऐसा उतारता है पृथ्वी पे जो आने वाले समय में हमारे देश, या फिर कह लीजिए देश में प्रख्यात होते हैं। एक वो भी होता है जो हीरो हीरोइन के साथ पीछे जो नाचते हैं, डांसर होते हैं, गाना चल रहा है इसमें हीरो जो है सबसे आगे है, पीछे 10-12 लोग जो है नाच रहे हैं। एक वो भी होता है जो हीरो की मार खाता है, मजबूरी है मार खाना, उसका पैसा मिलेगा, हालांकि सत्य सही मार नहीं खाते, लेकिन एक ड्रामा है उनका। रोल जो है 10 से 15 मिनट का रहता है, जो पीछे खड़े होते हैं या फिर मार खाते हैं पूरे पिक्चर में। और एक वो होता है जो 2 घंटा या 2.5 घंटा पूरे जो है समय पे छाया रहता है, उसे हम लोग कहते हैं हीरो। समझ रहे होंगे मैं किस चीज में या किस तरफ लेके जाना चाह रहा हूं। ये एक पत्रिका जो है एक ऐसे बच्चे की है जो कला के क्षेत्र में या एक्टिंग के क्षेत्र में अपना जीवन बनाना चाहता है। जब इसका फोन आया, मुझसे बात हुई, मैंने पत्रिका खोली, तो सबसे पहला मैंने यही कहा, मैं थोड़ा मजाक भी कर लेता हूं जब किसी की पत्रिका सामने आती है कि पीछे ये समय में ये ये ये, तो मैंने कहा बेटा मुझे जो है कविता सुना दो बढ़िया सी। सीधे सीधे वो चौंक गया, कहा पंडित जी कविता तो इस समय नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन आपका मनोरंजन मैं कर दूंगा। मैंने कहा बेटा इसी के लिए मैंने देख लिया आपकी पत्रिका में, इसी के लिए मैं बोल रहा हूं। कविताकार जो है शुक्र से बनता है, कविताकार चंद्रमा से बनता है, कविताकार बुद्ध से बनता है, कविताकार जो है तृतीय भाव से बनता है, कविताकार जो है आपके द्वितीय भाव से बनता है, मतलब बोलने का ढंग, छठे भाव से बनता है, लाभ भाव से बनता है, दशम भाव से बनता है। तो उसने मुझे जो मिमिक्री सुनाई, अमिताभ बच्चन साहब की मिमिक्री सुनाई, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मुझे ये तो पता था ये बच्चा जो है टैलेंटेड है, इसकी पत्रिका में बहुत स्पष्ट है, राहु की स्थिति देख के मैंने स्पष्ट समझ गया था ये पत्रिका जो है छोटी मोटी पत्रिका नहीं है। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री की जो है, फिर मैंने इसकी पत्रिका देखा, मैंने इसको बताया। चलिए अब बात करते हैं इसकी पत्रिका में कौन से ऐसे योग हैं जो मैंने प्रथम दृष्टया देखा तो ही मैं समझ गया। मैंने इससे कहा भी बेटा भले आप गरीब हो, या फिर कह लीजिए कि इस समय पे जो है घर परिवार की स्थिति खराब है, लेकिन एक दिन देश दुनिया आपको जानेगी। मैंने भी जो है, मेरा भी एक समय हो गया, लगभग 14-15 सालों का ज्योतिषी समय सफर हो गया, लगभग 5 से 6 पत्रिकाएं, बहुत ज्यादा नहीं, 5 से 6 पत्रिकाओं में जो है आपकी पत्रिका है, जो मुझे समझ में आई कि वाकई में जीवन में जो है ये बच्चा कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करेगा, चाहे वो कैबिनेट तक जाए, कैबिनेट मंत्री, चाहे देश के लिए, मतलब उस क्षेत्र में जो है जो टॉप के वाले हैं उसमें बड़ा करेगा। मैं तो यहां बिजनेस की बात ही नहीं कर रहा हूं, 200-400 करोड़ या 100-200 करोड़ की तो मैं कोई बात ही नहीं कर रहा हूं, वैसे पत्रिका मेरे पास बहुत आई, लेकिन जो नाम करेंगे जो विश्व स्तर पे या कह लिए देश स्तर पे। चलिए बात करते हैं इस पत्रिका के बारे में, कौन से ऐसे योग उत्पन्न हैं इस पत्रिका में जो इसको जो है इतना बड़ा बनाते हैं। देखिए इस पत्रिका में अगर देखा जाए, कर्क लग्न की पत्रिका है, कर्क लग्न की पत्रिका है, लग्नेश इसमें चंद्रमा बनता है, चंद्रमा जो है पूरा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में, पूरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है शुक्र का नक्षत्र कहलाएगा, शुक्र फिल्म एक्टिंग इन सभी चीजों को दिखाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है शुक्र के, और शुक्र इनके जो है लग्न में बैठा है, ऐसे में कहा जाएगा शुक्र से संबंधित चीजें जो है इनके लिए अच्छी हैं। उसका कारण है लाभ का स्वामी और सुख का स्वामी, लाभ का स्वामी और सुख का स्वामी होके जो है शुक्र इनके इस जातक की पत्रिका में लग्न में बैठा है। अगर मैं द्वितीय भाव की बात करूं, द्वितीय भाव में 4 ग्रह हैं, सूर्य है पूरा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में, गुरु की स्थिति अगर देखें मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में, चंद्रमा मैंने जैसे बताया आपको, और बुध जो है 3°1 कला पे मघा नक्षत्र का पहला चरण है। अगर मैं लग्न की डिग्री देखूं तो 24°39 कला का लग्न है अश्लेषा नक्षत्र का। अब इस पत्रिका में रोचक तथ्य समझिए आप, जो मजा आएगा अगर आप पत्रिका देखना सीख रहे हैं तो मेरे साथ जो है इस पत्रिका के हिसाब से मजा लीजिए। देखिए चंद्रमा से पंचम भाव में राहु गोचर में, चंद्रमा से पंचम भाव में पीड़ा देता है, चंद्रमा से छठे भाव में शनि का होना। इस पत्रिका में अगर कोई ग्रह खराब है तो वो शनि है,
कुछ चीजों में। इस पत्रिका में अगर देखा जाए द्वितीय भाव मंगल कोना विलय, बहुत अच्छा योग है ये। इस पत्रिका में अगर चंद्रमा से केतु को देखा जाए तो लाभ भाव में, अब केतु लाभ भाव में द्वादश भाव में तो परिणाम खराब देंगे। क्यों भाई खराब क्यों देंगे? केतु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है गुरु के नक्षत्र बैठा है, गुरु इस पत्रिका में सिंह राशि में अधिमित्र की राशि में, और अधिमित्र के साथ में सूर्य और गुरु का योग जो है एक विशेष राजयोग बनाता है जिसे हम लोग कहते हैं राज लक्षण राजयोग। जब भी सूर्य और गुरु एक साथ बैठते हैं, इस पत्रिका में चंद्रमा अस्त है, चंद्रमा इसमें अस्त है, सामान्य सी बात है, अमावस्या का जन्म है, सूर्य के साथ बैठा है चंद्रमा तो अमावस्या का जन्म है। उसके बाद चंद्रमा जो है अस्त भी हो गया, लगन का मालिक का अस्त होना तो ऐसे में कहलाएगा मन में थोड़ा सा डाउट्स, मन में निराशा ये दिखाता है। लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए अगर देखा जाए गुरु की स्थिति, बुध की स्थिति और सूर्य की स्थिति, सूर्य इस पत्रिका में 21 डिग्री 2 कला का है। अगर गुरु की स्थिति देखें 15 डिग्री 8 कला का गुरु है, चंद्रमा की स्थिति देखें 13 डिग्री 48 कला का। ऐसे में कहा जाएगा चंद्रमा और गुरु का गज केसरी योग सिंह राशि में गुरु और चंद्रमा की नजदीकी तनाव को कम कर देगी। दूसरी चीज, इस पत्रिका में अगर देखा जाए गुरु से पंचम भाव में राहु, ये हम लोग जो है फेस करते हैं भाई, कोई कंपटीशन है। अगर मान लीजिए इस बच्चे की पत्रिका में कहूं तो कल को इसको डायलॉग बोलना होगा, मीटिंग होगी, डायरेक्टर के साथ मीटिंग होगी, इन सभी चीजों में पढ़ना होगा, तो उसके लिए जो है इसके पास वाणी तो होनी चाहिए, साहस तो होना चाहिए उसको दिखाने के लिए ग्रह। अब गुरु से पंचम भाव में राहु और राहु से नवम भाव में गुरु, मतलब 5 और 9 का एक संबंध बन रहा है, 5 और 9 का संबंध बन रहा है। और गुरु जिस नक्षत्र बैठा हुआ है उसके नक्षत्र केतु के नक्षत्र बैठा हो, केतु जिस नक्षत्र बैठा है गुरु के नक्षत्र बैठा है, एक शुक्रत्री योग नक्षत्रों का, नक्षत्रों का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। नक्षत्रों का शुक्रत्री योग लगन को मजबूती दे रहा है, लगन को मजबूती दे रहा है। इस पत्रिका में राहु इसका जो है पंचम भाव में पंचम दृष्टि से कर्म को देख रहा, अचानक तरक्की को दिखाता है, और सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है। द्वादश भाव में जो राशि लिखी है मिथुन राशि लिखी है, मिथुन का स्वामी बुध बनेगा और बुध का 2 नेचर है, जिसके साथ रहेगा उसी के हिसाब से काम करेगा। अब बुध का जो है द्वादश भाव है जिसका स्वामी बुध बनेगा और बुध का द्वितीय भाव में बैठा, धन भाव में बैठना, धन व्यय दिखाएगा लेकिन विदेश भी तो भेजेगा, विदेश से संबंधित कार्य भी तो कराएगा। आने वाले समय में इसके हाथ की फोटो भेजूंगा, उसका भी विश्लेषण बताएंगे। विदेश से संबंधित धन कमाएगा, विदेश से संबंधित कार्यों में डालेगा। दूसरी चीज, इस पत्रिका में अगर देखा जाए राहु की नवम दृष्टि अच्छी मानी जाती है, अगर गुरु पे पड़ रही है। राहु जो है जब भी छठे भाव में या छठे भाव के स्वामी से संबंध बनाता है तो फेसिंग पावर बहुत देता है, अगर संबंध जो है सकारात्मक है, पाप पीड़ित संबंध ना हो, शुभ गत संबंध हो, शुभ दृष्टियों में संबंध हो। इसके बाद मंगल जो है इसको साहस दे रहा है। इस पत्रिका में मंगल जो है तृतीय भाव में बैठा है, सप्तम दृष्टि से भाग्य को बढ़ावा दे रहा है। भाग्य में जो है मीन राशि लिखी है जिसका अधिपति गुरु बनेगा, गुरु इस पत्रिका में भाग्य का स्वामी और छठे भाव का स्वामी हो के जो है द्वितीय भाव में धन भाव में बैठा है, अपने आप में एक विशेष योग है। उसके बाद राहु का और गुरु का आपस में दृष्टि का संबंध, ये राजयोगों की संज्ञा में आएगा। राहु जो है धनु राशि में, गुरु गुरु की राशि में, गुरु का पूर्ण बल मिल रहा है राहु को। राहु जिस नक्षत्र बैठा हुआ पूर्वा नक्षत्र में, जो कि शुक्र का नक्षत्र कहलाएगा, शुक्र राहु की अधिमित्रता है। जब भी राहु जो है पूर्वा फाल्गुनी अश्लेषा नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी अश्लेषा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र में, ये 3-4 नक्षत्रों में बैठा है, बड़े अच्छे परिणाम देता है, बाकी जिस राशि में बैठा उसका तो देखा ही जाएगा। इसके बाद मंगल की जो है अष्टम दृष्टि आपके कर्म में पड़ रही है, कर्म में मंगल की अपनी राशि है, यहां से कर्म मजबूत हो गया, यहां से कर्म मजबूत हो गया। और मैंने एक चीज और कहा बेटा, ये जो भी आप जो है फिल्मों में काम पाओगे वो लड़ाई झगड़े वाले, डिशुम डिशुम वाले, ना कि जो है हंसने हंसाने वाले, ज्यादातर आपको जो है जो भी ऑफर मिलेंगे वो ऐसे ही होंगे जिसमें लड़ाई झगड़ा इत्यादि चीजें होंगी। इसके बाद देखिए इस पत्रिका में अगर सबकी बात कर रहे हैं तो अशुभ चीजों को भी सुन लीजिए। इस पत्रिका में अगर देखा जाए शनि अकारक कहलाएगा, शनि सप्तम भाव में मकर राशि का विराजमान है, शनि उत्तराचरण नक्षत्र के 4th चरण बैठा हुआ है जो कि बुध का नक्षत्र कहलाएगा। उसके बाद 60 डिग्री 2 कला पे शनि की 3री दृष्टि आपके भाग्य पड़ी है, भाग्य को बढ़ाएगा।
शनि भाग्य को मजबूत करेगा। शनि सप्तम दृष्टि जो है लगन में पड़ रही है और शुक्र जो है उसमें विराजमान है, वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस देगा, वैवाहिक जीवन में तनाव देगा। दशम दृष्टि से जो है तुला राशि है, चतुर्थ भाव में जिसकी दृष्टि पड़ रही है, घर परिवार से दूर लेके जाएगा, लेकिन सुख सभी देगा। ऐसे लोगों के पास एक गाड़ी नहीं होती है, कईयों गाड़ी होती है, थोड़ी मोड़ी नहीं, कईयों गाड़ी होती है। लाभ भाव का मालिक शुक्र बनना, शुक्र का जो है शनि से दृष्ट होना, लाभ भाव और शनि का जो है आपस में संबंध, दृष्टि संबंध। दूसरी चीज, इस पत्रिका में शुक्र की स्थिति जो है, जिस नक्षत्र बैठा शुक्र आपका जो है अश्लेषा नक्षत्र बैठा, जो कि बुध का नक्षत्र कहलाएगा। बुध इस पत्रिका में अगर देखा जाए द्वादशेश है, बुध इस पत्रिका में देखा जाए तृतीयेश है। तृतीय भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी हो के बुध का जो है मघा नक्षत्र के पहले चरण में बैठना, ऐसे में कहलाएगा कि व्यक्ति जो है धन कमाएगा, धन के साथ जो है मान प्रतिष्ठा नाम सभी प्रकार के सुख पाएगा। लाभ भाव से चतुर्थ भाव में चार ग्रही योग, लाभ भाव से चतुर्थ भाव में चार ग्रही योग और लाभ भाव से अष्टम भाव में शनि का होना। लाभ भाव से जब भी 6-8-12 में कोई पापी ग्रह हो परिणाम बहुत अच्छे देता है। हाँ, एक वो अलग है कि एक बार जमीन भी जरूर गिरता है, ये सीख लीजिएगा। कर्म भाव से, कर्म से जो है पंचम में चार भाव, चार ग्रह कर्म को मजबूती दिखाई दे रहे हैं। कर्म का स्वामी मंगल बनेगा, मंगल जो है तृतीय भाव में। तीसरा भाव से भी हम धन से संबंधित विचार करते हैं, कारण उसका जो है लाभ भाव से पंचम भाव तीसरा भाव, और तीसरे भाव में मंगल जो है बुध की राशि में विराजमान है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि राहु पे पड़ना, भाग्येश है मंगल इस पत्रिका में, लक्ष्मी स्थान के मालिक है मंगल, इस पत्रिका में कर्म के मालिक है, और चतुर्थ दृष्टि से राहु को देखना कुछ चीजों की अड़चन है। लेकिन यहां भाग्य धन की बात कर रहे हैं और कार्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ऐसे में कहा जाएगा ये विशेष राजयोग वाली पत्रिका है। अगर हम बात करें महादशा की, अब समय देखिए, चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा इस पत्रिका में लगन का मालिक है, चंद्रमा जिस नक्षत्र बैठा है पूरा फाल्गुन नक्षत्र के पहले चरण में है। चंद्रमा की दशा जो है 2026 तक रहेगी। अभी की स्थिति जो है चंद्रमा में राहु की दशा जो है पिछले साल अक्टूबर में खत्म हुई, नवंबर में। अब पिता से संबंधित चीजें यहीं से दिख जाएंगी। राहु इस पर शनि का गोचर जो है, इनके छठे भाव पे शनि का गोचर, राहु के ऊपर गोचर, शुक्र जो है राहु शुक्र के नक्षत्र बैठे हैं, शुक्र लगन में विराजमान है। राहु की नवम दृष्टि जो है गुरु पे पड़ रही है, गुरु की नवम पंचम दृष्टि राहु पे पड़ रही है, और राहु जिस नक्षत्र जिस राशि में धनु राशि में है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि पिता जो है घर से विक्षिप्त हो जाएंगे या दूर हो जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा पाप ग्रह संबंध नहीं बन रहा है नवंबर के बाद या दिसंबर के बाद से कि पिता का जो है कोई अनर्थ हो। पिता लौट के आएंगे। इस समय पे शनि का गोचर जो है इनके सप्तम भाव पे, कोई बात नहीं, शनि पे शनि का गोचर कोई गलत नहीं है, लेकिन आप ऐसे देखिए चंद्रमा से छठे भाव में शनि का गोचर हो रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि पिता पे पड़ रही है, दशम दृष्टि जो है इनके घर परिवार पे पड़ रही है। शनि इस पत्रिका में अगर देखा जाए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में है और 60° 2 कला पे है, बलाबल में अगर देखा जाए तो अच्छी अवस्था में है। इस पत्रिका में सबसे मजबूत ग्रह इनका सूर्य है, सूर्य जो है लगन की डिग्री के अत्यंत पास है। इस पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति अगर देखी जाए, चंद्रमा की महादशा चल रही है, 2021 मार्च तक रहेगी, ये साल पूरा रहेगा, कुछ काम मिलना स्टार्ट हो गए। गुरु का गोचर इस समय पे अगर देखा जाए तो इनका पंचम भाव में गुरु का गोचर हो रहा है, काम मिलना शुरू हो गए, थोड़े मोड़े काम जो है इनको जो है पीछे खड़े होने वाला, डांस करने वाला, मार खाने वाला, वो सब काम जो है इनको मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन तरक्की कब करेगा, अभी जो है गुरु की दशा कामों में या धन इनका जो है बढ़ता जाएगा। इसके बाद शनि की दशा रहेगी, शनि इनकी पत्रिका में भाग्य, शनि का गोचर कर देखा जाए, चंद्रमा से छठे भाव में शनि का गोचर है, कार्यों को बढ़ाएगा, स्थान का परिवर्तन करेगा, कुछ समय के लिए विदेश से संबंधित कार्यों में भी डालेगा, विदेश इनको घुमाने लेके जाएगा। शनि के बाद जो है बुध की दशा लगेगी, बुध की दशा इनके लिए जो है लाभप्रद रहेगी। उसके बाद मंगल की दशा, फिर वो चमकता हुआ जो है सितारा बनेगा। मंगल की दशा इस पत्रिका में प्राण है, और बुध की दशा से ही, चंद्रमा में बुध की दशा से ही जातक का जीवन जो है शुरू हो जाएगा। 2022 अक्टूबर के बाद से इसकी गाड़ी जो है शुरू हो जाएगी। कुछ काम तो अभी मिलेंगे, लेकिन बैकग्राउंड वाले, पीछे वाले। देखिए बड़ा कठिन होता है चार्ट पे समझाना, एक बार इधर देखिए। ये एक पत्रिका है, इसके माध्यम से जो लोग सीख रहे हैं वो देखिएगा, प्रयास किया, जो मुझे दिखाई दिया मैं उस हिसाब से आपको बताता गया।
कुछ और बिंदु भी इसमें है, लेकिन बड़ा समय लग जाएगा समझाने में। जैसे अष्टक वर्ग है, सर्वाष्टक वर्ग है, इसके बिंदु देखना जरूरी है, कर्म में बिंदु देखना जरूरी है। चंद्रमा जहां बैठा है वहां से पंचम भाव में कितने बिंदु मिलने हैं, चंद्रमा जहां बैठा है वहां से नवम भाव में कितने बिंदु मिलने हैं, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तारा बल देखना जरूरी है, किस तारा इनका जन्म नक्षत्र से इस समय की जो अंतरदशा चल रही है उसका नक्षत्र का तारा बल, लेकिन बहुत समय लग जाएगा। सामान्य अवस्था में मैंने आपको बता दिया, और ये भी बहुत बड़ी चीज है, इतना भी समझ लिए तो काफी होगा आपके लिए। सभी भावों से उनके पंचम और नवम सभी भावों से लगन से देखिएगा, अगर पंचम भाव में कोई भाव है तो उसे पंचम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन सी राशि बैठे हैं, इससे नवम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन सी राशि बैठी हैं, तो वो चीजें धीरे धीरे आपकी जो है कड़ी दर कड़ी उसके भाग्य की स्थिति पता चल जाएगी। कड़ी दर कड़ी भाग्य में किन ग्रहों से संबंध बन रहा है, उनके कारण कितना लाभ मिलेगा दशांतर दशा में, ये पता चल जाएगा। ये अथाह समुन्दर है, जितना डूबेंगे जितना डुबकी लगाएंगे उतना ही बढ़ते जाएंगे। चलिए अगले कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ में, और इस बच्चे का मैं हस्त रेखा का भी फोटो भेजूंगा बना के, वो भी आपके सामने जो है उसका भी जो है आप लोग देखिएगा कौन कौन सी रेखाएं हैं जो मैं जन्म पत्रिका में इतनी तारीफ की। और ये बच्चा एक दिन हम और आप टीवी में इस बच्चे को जरूर देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही।